अरे वाह, अब तो चप्पल भी बेचने लग गई, कमाल है। कौन है सरला ये? या ये ना मेरी स्कूल की पुरानी दोस्त थी, मेरे पीछे पीछे घुमा करती थी और मैं ना इसको मुंह तक नहीं लगाती थी। स्कूल की दोस्त? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये तेरी स्कूल की दोस्त है। कम से कम देख के तो दोस्ती किया कर। यार मैं तुझे क्या ही बताऊं, स्कूल में मुझे लगा ये थोड़ी बहुत अमीर होगी, बट मुझे कहां पता था कि इसके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर भी यार कम से कम देख के तो करती दोस्ती। चल छोड़ ना, तुझे पता ही है कि मैं कितनी स्मार्ट और सुंदर हूँ, और मुझ जैसी लड़की ना बहुत अच्छी दोस्त डिजर्व करती है, और ये ठहरी गरीब। चल छोड़ यार, अब तो दोस्ती खत्म हो गई ना। ये तुम दोनों किस तरह से बात कर रहे हो मेरी बेटी से? आपको पता भी है कि बेटी है कैसी? मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है, जैसी भी है बहुत अच्छी है मेरी बेटी। अच्छा, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। कपड़े तो देखो इसके, कपड़े पहनने का तो ढंग है नहीं इसे, ऊपर से ठहरी ये गवार, कितनी अजीब दिखती है ये। और इस जैसी गरीब को ना कभी मैं अपना दोस्त तक ना बनाऊं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। चल छोड़ना यार, तू भी किन अनपढ़ गवारों के मुंह लग रही है। चल हमें बहुत जरूरी काम है, पहले वो कर लेते हैं। हाँ। देखो बेटा, किसी की भी इंसल्ट इस तरह से नहीं करनी चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओ आंटी, अभी तो मैंने आपकी इंसल्ट करी नहीं है, बदतमीजी क्या होती ना, एक बार अपनी बेटी से पूछो। सुनीता तुझे पता है, एक बार ना कॉलेज में हमने ना इसका बहुत मजाक उड़ाया था, उसके अगले दिन से ना इसने कॉलेज आना ही बंद कर दिया, और उसके बाद ना सीधा आज दिख रही है मुझे, बिल्कुल भी नहीं बदली, अभी भी ना वैसी की वैसी है ये। वो कैसे? क्योंकि पहले भी गरीब थी और अभी भी गरीब है। और हाँ तू सुन ले, मुझे ना आज के बाद यहाँ दिख मत जाइयो तू, क्योंकि पता नहीं तेरी शक्ल देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे यार देखना किसका मैसेज आया है, मंडल इंडस्ट्री के सीईओ का, जिसका हमें कब से वेट था। ये काम तो बहुत अच्छा हो गया, तूने काम कर, तू अभी इनको कॉल मिला, इन्होंने कभी मंडल इंडस्ट्री का तो नाम सुना नहीं होगा, इनको भी तो पता चले कितनी बड़ी कंपनी के साथ उठना बैठना है हमारा। हाँ रुक जा, मैं करती हूँ कॉल। हाँ करो कॉल, मैं भी तो देखूंगी कितनी बड़ी कंपनी के साथ तुम लोगों का उठना बैठना है। करो। एक मिनट, कॉल कट कर और फिर से कर। ये मैम का नंबर तुम्हारे पास कैसे? आप ही मंडल इंडस्ट्री की सीईओ? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। क्यों, अब क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कितनी बदतमीजी से मेरी बेटी से बात कर रही थी, और अब अचानक मैम, ऐसा क्या हो गया? मम्मी आपने कभी गिरगिट देखा है कि गिरगिट कैसे होते हैं? अक्सर हमें गिरगिट जंगलों में देखने को मिलते हैं, लेकिन देखो आज हमारे सामने खड़े हैं, ये होते हैं असली गिरगिट, जो बात बात पर अपना रंग बदल लेते हैं। अभी 5 मिनट पहले मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे ना तुम लोग, और जैसे तुम लोगों को पता चला कि मैं मंडल इंडस्ट्री की सीईओ हूँ, अपनी बात पलट दी, अचानक मुझे रेस्पेक्ट देना चालू कर दिया। तुम्हें पता है इतनी देर से मैं चुप क्यों थी? अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि लोगों से कैसे बात की जाती है, कैसे उनको इज्जत दी जाती है, इसीलिए मैं चुप थी। लेकिन तुम कैसी लड़की हो पता है, तुम सिर्फ लोगों के पैसों से खेलना जानती हो। अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा है तो तुम उसकी हो, और अगर किसी भी इंसान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो तुम उसको लात मार देती हो। वो तो शुक्र मानो कि अभी मेरे साथ मेरी माँ है, वरना तुम दोनों लड़कियों को मैं ऐसा सबक सिखाती ना कि ये हरकत करने से पहले तुम पूरी जिंदगी में 100 बार सोचते। और क्या कह रही थी तुम कि मंडल इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है? सॉरी मैम, तुम जैसी बदतमीज लोगों को हमारी कंपनी जॉब नहीं देती, तो हमारी कंपनी में काम करना भूल जाना। आई बात समझ में? अच्छा फूलवती, हम तो अच्छे दोस्त थे ना, बट इसमें मेरी भी क्या गलती है? स्कूल में सब तुम्हारे साथ घूमने की वजह से मेरा मजाक बनाते थे क्योंकि तुम गरीब थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अब इतनी अमीर हो। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं क्या कुछ नहीं कह दिया तुमसे। प्लीज फूलवती मुझे माफ कर दो, और आज भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, आई स्वेयर। देखा मम्मी अभी कैसे कसम खा रही है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, मुझे नीचा दिखा रही थी, मेरा मजाक बना रही थी। अरे तुम जैसे लोगों को इसी वजह से मैं गिरगिट बोलती हूँ, और मैं तुम्हें माफ कर भी देती अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करी होती, लेकिन तुमने मेरे साथ नहीं मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी है। और अगर कोई मेरी माँ का मजाक बनाए, उनकी इंसल्ट करे, ये मुझसे कभी सहन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अब जाओ। सॉरी मैम। और हाँ, अब कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, अब ढूंढो कोई नई जॉब और अपनी नई दोस्त। प्लीज सॉरी मैम। चलो मैम। सॉरी मैम। देखा तेरी वजह से अच्छी खासी नौकरी चली गई। मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से गई है, कितनी अमीर दोस्त बनी हुई थी यार, तेरी वजह से नहीं, मैंने इससे दोस्ती तोड़ दी। चल अब। हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग,
आपने जो वीडियो देखी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए एक मॉरल के साथ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।